एंड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, हम लोग एक लंबे ब्रेक के बाद एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस डेली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो है सीरीज का पार्ट वन होने वाला है, ठीक है। सो मैं बस आप लोगों से एक ही हेल्प चाहती हूँ कि आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो की PDFs के लिए, क्विज वगैरह के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, देखेंगे पहला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा जो एक प्लैनेट है जो कि ग्रीन कलर की जो लाइट है वो एमिट करता है, उत्सर्जित करता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप भी साथ में आंसर लिखते जाइए। आंसर इसका वरुण यानी कि नेपच्यून। क्या है सही आंसर? वरुण यानी कि नेपच्यून। जो नेपच्यून है उसको गॉड ऑफ सी कहा जाता है, समुद्र का देवता भी इसको कहा जाता है। और इसकी जो खोज है वो एडम्स और लेवेरियर के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये आठवां प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। आठवां कैसे? देखिए सोलर सिस्टम क्या है, एक साइड में सन है और सन से अगर हम डिस्टेंस देखें यहाँ पर क्या है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। मतलब कि मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, फिर है अर्थ यानी कि पृथ्वी, मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस यानी कि अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण। तो अगर हम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये कैसे कौन सा ग्रह है? आठवां ग्रह है सन से, है ना। इसके अलावा और क्या, इसके बारे में और क्या बात करेंगे हम? तो नेपच्यून क्या करता है, ग्रीन कलर की, क्योंकि इसमें मीथेन जो है गैस इसमें प्रेजेंट है, इस वजह से ग्रीन कलर की लाइट जो है ये एमिट करता है, ठीक है। और ये गैस जाइंट इसको कहा जाता है। साथ ही साथ इसके इसमें जो है, जैसे कि सैटर्न में हम कहते हैं ना छल्ले बने हुए हैं, वैसे इसमें भी रिंग्स हैं। कितनी है? 4 रिंग्स हैं और 3 जो है इसकी, 13 जो है सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट मतलब क्या है, इसके उपग्रह हैं। कितने हैं? 13 हैं, ठीक है, जिनमें से सबसे बड़ा है ट्रिटॉन। ये भी आप याद रखेंगे। किसके बारे में बात कर लिया हमने? नेपच्यून के बारे में, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये दिखता है। अगला देख लेंगे, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम अर्थ के बारे में कि अर्थ का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है। सो देखिए, विषुवतीय व्यास देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा किस बारे में, कि भाई अर्थ एक्चुअल में जो है दिखता कैसा है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, अब ये जो अर्थ है इस मतलब ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, आप इसको अर्थ कंसीडर करेंगे। विषुवत जो होती है वो ये लाइन होती है जिसको इक्वेटर कहा जाता है। फिर यहाँ पर जो होती है कैंसर होती है और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा होती है यहाँ पर ये वाली, ठीक है। अब विषुवतीय व्यास मतलब इसकी जो लंबाई है वो पूछी गई है, तो ये कितनी होती है? 12,750 किलोमीटर, ठीक है। सो ए जो है हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। विषुवतीय व्यास के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अगर रेडियस पूछ ली जाए तो 6400 किलोमीटर्स होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। सो पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है चंद्रमा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब चंद्रमा से जो है कुछ रॉक्स ली गई, उनसे पता लगाया गया कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी पुरानी क्या है हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी है। तो इस कंफ्यूजन से पता चला कि कुछ समय पहले अर्थ का कुछ पोर्शन टूटा था, जहाँ आज ओशंस है, पैसिफिक ओशन बेसिकली, तो वो टूट करके एक नई बॉडी बनी थी, एक नया बॉडी मास बना था, एंड दैट वॉज मून, ठीक है। और द स्टडी ऑफ मून क्या कही जाती है? मून के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, जैसे अर्थ जो है घूम रही है किसके अराउंड? सन के अराउंड। और मून को टाइम लगता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं हम मून से? तो मून से आप ये भी याद रख सकते हैं कि मून की हमेशा हमें एक ही साइड दिखाई देती है, क्योंकि उसका जो रोटेशनल और रिवोल्यूशनरी पीरियड है वो क्या है? सेम है, लगभग 27 दिन का ही है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। क्या बात कर रहे हैं हम? देशांतर के बारे में। देशांतर का मतलब क्या होता है? देशांतर का मतलब होता है गाइस, ये देखिए, ये हमारी अर्थ है। एक तो होते हैं क्या, लेटिट्यूड्स, जिनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और एक होते हैं क्या,
लॉन्गिट्यूड जिनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं, क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं इनको कहा जाता है। सो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये 0 डिग्रीज को मानते हैं, इस तरीके से जाता है, ठीक है। सो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से जो है ये बढ़ते जाते हैं। और सो एक जो देशांतर है इसके बीच में जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट का होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, इसलिए कहा जाता है 15 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है 1 आवर, 1 घंटा हो जाता है, ठीक है। सो इतना आपको यहाँ से याद रखना है, हमने बात कर ली है किसकी, लॉन्गिट्यूड्स की, ओके। आगे चलेंगे हम, देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। चलिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, ठीक है। अक्षांश रेखाएं यानी कि जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे, उनके बीच की दूरी अगर हम देखें तो लगभग इनके बीच की जो दूरी है कितनी होती है, ये होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। वैसे ये 111.13 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो ये होते हैं आपके क्या? अक्षांश, ठीक है। चलिए, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक दूरी होगी इसकी कहाँ पर? विषुवत रेखा पर होगी। कहाँ होगी? विषुवत रेखा पर। अब वो कैसे होगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसको मानेंगे हम 0 डिग्री, तो ये तो सीधी लाइन चले जाएगी। इसके बाद ये क्या होता है? इस तरीके से डिस्टेंस होता है, एंगुलर डिस्टेंस, ऐसे आएगा ये, ठीक है। सो यहाँ पर मैक्सिमम होगी और जाते जाते ये क्या होते जाएंगे, थोड़े अपने पास होते जाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी पेटी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अग्नि श्रृंखला। क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसको जो है कहा जाता है। आगे देख लेंगे क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है गाइस, ये स्थित है साउथ अमेरिका के एक देश इक्वाडोर में। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। लोकेशन देख लेंगे इसकी, ये देखिए आप, ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप कॉन्टिनेंट, और इसमें एक कंट्री है इक्वाडोर। यहाँ पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कोटोपैक्सी स्थित है। चलिए, अगला देखेंगे हम, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप इटली में। कहाँ पर? लिपारी द्वीप इटली में। लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगी इसकी, ये देख सकते हैं आप, ये इटली है, इटली का ये लिपारी द्वीप यहीं पर है स्ट्रोम्बोली। और क्योंकि ये यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी दिखेगा, इस वजह से इसको लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक एक्टिव वॉल्केनो है, इसमें कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, ये जो है हम वॉल्केनिक इरप्शंस जो है, उद्गार जो है इसमें होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विषुवत ज्वालामुखी किस देश में है? तो विषुवत ज्वालामुखी भी किस देश में है गाइस? ये भी इटली में ही है, ठीक है। इटली के ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन है इटली के, यूरोप महाद्वीप में ही आता है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय महाद्वीप कौन सा है, सॉरी ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सर्वाधिक, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट किलायू। कौन सा है? माउंट किलायू है। और ये है कहाँ पर? तो ये है हवाइन आइलैंड। कहाँ पर है? जो हवाइन आइलैंड है वहाँ पर ये स्थित है। मोस्ट एक्टिव मतलब सबसे सक्रिय, मतलब क्या कि यहाँ पे कंटिन्यूसली एरप्शन होता रहता है, ठीक है, वॉल्केनो फटता रहता है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है गाइस जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर्स, ठीक है। शोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर और समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसके बीच में जो हम बात करें एक और, मतलब जो इनको डिवाइड कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गाइस क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज कहा जाता है, ठीक है। एक बार इमेज में देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे निचली लेयर जो है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर, फिर समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मध्य मंडल या फिर मीजोस्फेयर, आयन मंडल आयनोस्फेयर और बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर। और यही मैं आपको बता दूँ, जो समताप मंडल है इसी में स्थित है क्या? ओजोन लेयर, जो कि हम जो सन से जो आती हैं यूवी रेज उनसे बचाती है और उनसे होने वाले कैंसर से भी जो है ये हमें बचाती है, ठीक है। कौन सी? ओजोन लेयर। किस लेयर में सिचुएटेड है? तो ये समताप मंडल यानी कि
स्ट्रेटोस्फेयर में, और कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे निचली लेयर कौन सी है, तो क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वो कहाँ पर होती है, तो ये होती है गाइस क्षोभमंडल में। अब ऐसा क्यों, देखिए क्षोभमंडल जो है सबसे निचली है, तो ये क्या होता है सबसे ज़्यादा डेंस होती है, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है इसका, फिर ऊपर जाते जाते घनत्व कम होता जाता है और एग्जोस्फेयर में तो सबसे कम होता है, ठीक है, क्योंकि पूरा प्रेशर जो है इसी पे लग रहा है ना। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं, मतलब या कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं गाइस क्षोभमंडल में। कहाँ, क्षोभमंडल, और लोकेशन तो आपको पता ही है। देखिए क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच में थी ट्रोपोपॉज, समताप मंडल और मध्यम मंडल के बीच में है मीजोपॉज, ये भी याद रखेंगे। जो ट्रोपोस्फेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके बीच में क्या है, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में है स्ट्रेटोपॉज, और जो मीजोस्फेयर और आइनोस्फेयर है इसके बीच में क्या है, मीजोपॉज। चलिए कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो विश्व की जो डीपेस्ट लेक है, जो झील है वो कौन सी है, ये है लेक बैकाल, और लेक बैकाल को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया। अब ये पर्ल ऑफ साइबेरिया क्या है, देखिए जो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा क्या है, रशिया महाद्वीप है, है ना। तो जो रशिया महाद्वीप है वो यूरोप में भी आता है, यूरोप मतलब रशिया क्या है, कंट्री है, सॉरी महाद्वीप नहीं। सो ये जो देश है वो दो महाद्वीपों में आता है, यूरोप महाद्वीप में भी आता है और एशिया महाद्वीप में भी आता है। तो जो एशिया महाद्वीप वाला भाग है इसको साइबेरिया कहा जाता है, किसका, रशिया का, और उसी में स्थित है ये देख सकते हैं आप लेक बैकाल, जो कि क्या है, दुनिया की सर्वाधिक गहरी झील है, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील मतलब जिसमें हम बात करें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है, सैलिनिटी ज़्यादा है, तो वो कौन सी है, ये है गाइस वॉन झील। कौन सी है, वॉन झील है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कहाँ पर है, तो है ये टर्की देश में स्थित है लेक वॉन, जो कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, तो यूरोप का एक देश है फिनलैंड, उसको क्या कहा जाता है, हजारों झीलों का देश जो है इसको कहा जाता है। यहाँ पर है इसकी लोकेशन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी लेक्स, इसको क्या कह दिया है, हजारों झीलों की भूमि। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो भूमध्य रेखा पर जो स्थित है इट इज लेक विक्टोरिया, काफी फेमस है ये, यहीं से जो है नील नदी भी निकलती है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो ये भी है लेक विक्टोरिया, अफ्रीका का एक देश, अफ्रीका के देश है, देखेंगे हम तंजानिया और यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लेक है ये क्या कर रहा है, लेक विक्टोरिया, इनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण कर रहा है। चलिए निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप एक दूसरे का मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, तो ये है दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। कौन है, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, देख सकते हैं आप ये ऑलमोस्ट जो है क्या दिखते हैं, सेम दिखते हैं। पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, फर्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका, सेकंड साउथ अमेरिका, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ यूरोप, फिफ्थ जो है एशिया, सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया, एंड साउथ में जाएंगे तो यहाँ है अंटार्कटिका, ठीक है। आगे देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, सो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। कहाँ पर है ये, वहाँ की एक देश तंजानिया में है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोकेशन। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है माउंट विंसन मैसिव। कौन सा है, माउंट विंसन मैसिव। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, अब तो ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, एशिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जो है द्वीप यानी कि आइलैंड कौन सा है, तो ये है बोर्नियो आइलैंड। कौन सा है, बोर्नियो, ये देख सकते हैं आप इसको, इंडिया, ठीक है, इंडिया से हम इस तरफ आएंगे, इंडोनेशिया के पास में ही क्या, बोर्नियो आइलैंड। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह क्या है, मतलब वह कौन सा द्वीप है, तो ये बोर्नियो द्वीप ही है ना। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता, तो देखिए प्रशांत महासागर करता है, अटलांटिक महासागर भी करता है, आर्कटिक महासागर भी करता है, जबकि हिंद महासागर नहीं करता, किसको, उत्तर अमेरिका को। चलिए देख लेते हैं, तो ये है उत्तर अमेरिका, देखिए पैसिफिक ओशन भी कर रहा है, अटलांटिक भी कर रहा है और
आर्कटिक भी कर रहा है, जबकि हिंद महासागर तो यहाँ है इंडिया के पास में ना, तो ये कैसे करेगा? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? सो कई बार मैंने पहले भी बताया, जो शुक्र ग्रह है यानी कि वीनस, वो शेप और साइज में कैसा है? अर्थ के जैसा है, इस वजह से इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कह देते हैं। देख सकते हैं, इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान के यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के जन्मदाता कौन है? सो फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये है पैशल। कौन है? पैशल है। द लास्ट इज, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो ये है अलबरूनी। अलबरूनी वॉज दी फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुराणास, और ये भारत आए थे किसके साथ? महमूद ऑफ गजनवी के साथ। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, उसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।